जस्ट ये हाफ किलोमीटर है रमियानी चौक। अच्छा ये बगल में। गौरव भैया कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं किसी चीज का? नहीं। मम्मी कितना दिन से बोलती है कि घर में फोटो लगा दो पापा का, पापा का फोटो हम ही है तो हम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज आज आप सबों को दिखाएंगे गौरव ठाकुर का घर, मैथिली स्टार जो है भोजपुरी का, तो आप सब वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए उनके घर पे चलते हैं और ढेर सारी बातें करेंगे, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए गाइज, और उनका पूरा घर का एक्सप्लोर करके आप सबों को दिखाएंगे। तो गाइज चलिए, एक अंकल जी हैं और अंकल जी से पूछते हैं उनका घर किधर है। देख सकते हैं यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए हैं। जस्ट ये हाफ किलोमीटर है रमियानी चौक। अच्छा ये बगल में ही है। बगल में ही। गौरव ठाकुर के बारे में कुछ बोलिए, कैसा लगता है आपके क्षेत्र का है? बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का। बगल में ही है ना घर? हाँ बगले में, हम लोगों का भतीजे लगता है। भतीजा ही लगता है? हाँ। अभी घर में होगा ना वो? घर में होगा। उनका पापा डेथ कर गया ना? हाँ। ये बहुत अफसोस का बात है। बहुत अच्छा भी था उसका पापा भी। थैंक यू अंकल। तो गाइज अभी चलते हैं उनके घर पे, और हमारे साथ दोस्त लोग हैं, देख सकते हैं सोनू है और वो सुनील दोस्त है। तो हम लोग अभी जो है ना 70-80 किलोमीटर मतलब ड्राइव करके दूर से आए हैं। देख सकते हैं सोनू जो है ड्राइव कर रहा था बाइक से, हम लोग आए। तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए उनके घर पे चलते हैं और उनके घर पे आप सबसे मिलते हैं। फाइनली गाइज देख सकते हैं अभी पहुंच गए हम ब्रह्मज्ञानी गौरव भैया का घर पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये चौक है ब्रह्मज्ञानी चौक। और यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत दुकान भी है, और भैया लोग अंदर में बैठे हैं। तो चलिए पहले अंदर में भैया लोग से पूछते हैं कुछ गौरव भैया के बारे में, फिर गौरव भैया को के घर पर आप सबों को ले कर चलते हैं। देख सकते हैं इधर अंकल जी लोग बैठे हुए हैं, और अभी अंकल जी लोग से भी पूछेंगे। तो गौरव भैया के बारे में कुछ बताइए, कैसा लगता है आपके क्षेत्र का, इतना अच्छा सिंगर बन गया, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? गौरव ठाकुर यहाँ का परिचित सिंगर है, वो आगे चल के और आगे बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे। नाम रोशन करेंगे। गाना सुनने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ठाकुर अच्छा लड़का है, और अच्छा अभी जो है चल रहा है इसका गाना, चल रहा है बहुत अच्छा। खुशी होता है ना? बहुत बहुत खुशी। गौरव भैया के बारे में, गौरव भाई के विषय हम क्या बाहर में लोग बोलेगा, वो तो मेरा भाई है। कैसा लगता है आपका भाई इतना नाम कर लिया है? तो बढ़िया लगता है, खुशी हो रहा है, और ज्यादा वह आगे बढ़े। अच्छा तो आप भी प्रोग्राम करा रहे हैं भैया क्या? अब देखिए हम लोग विचार करेंगे, मुखिया जी से मिल करके विचार करेंगे। हमारे गाँव में शिव मंदिर है। अच्छा एक बार यहाँ भी प्रोग्राम है, बाहर में कर रहा है लेकिन यहाँ भी होना चाहिए ना, गांव में भी ना। बाहर में जाते हैं प्रोग्राम देखने आप लोग? हाँ जाते हैं, कि इधर बहदुरा गए थे। अच्छा, वहाँ पे प्रोग्राम था भैया का? अच्छा, बहुत यहाँ रघुनाथपुर में था प्रोग्राम। अच्छा रघुनाथपुर भी चले जाते, जहाँ भी होता है लगभग में चल, अगल बगल में होता है तो हम लोग ऑटो चालक है, अगल बगल में भाई का प्रोग्राम रहा है, चल जाते हैं। अच्छा बहुत अच्छा लगता होगा देखिए। हाँ। गाना वाना सुनते हैं कि नहीं? वो बढ़िया ऑटो ऑटो में बजाते हैं ना? हाँ बजाते हैं, लेकिन माहौल देख करके। अच्छा कहा कि महिला भी लोग चढ़ता है ना? हाँ, लफुआ रहता है तब तो लगाते हैं। अच्छा चलते ऐसे यदि महिला लोग, महिला तब तो सिस्टम में आ जाते हैं ना। अच्छा चाहे हमारे घर का महिला हो कि बाहर का, ऐसे भी बहुत अच्छा अच्छा भी गाना गाया है जो कि परिवार के साथ में भी सुन सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गौरव ठाकुर भैया के घर के सामने ही भैया लोग टेम्पू लगा के थे, तो इनसे भी बात किए। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए गाइस। तो चलिए गाइस चलते हैं भैया के घर पे और मिलते हैं आप सब से। देख सकते हैं भैया का इधर दिखाइए थोड़ा दोस्त, इधर भैया का घर के आगे का इस तरह से नज़ारा है। और अभी चलिए चलते हैं, आइए। हेलो गाइस, तो फाइनली अभी गौरव भैया के घर पे पहुंच गए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है मिलने के लिए भैया से। तो आप लोग वीडियो बने रहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी गौरव भैया का आप लोग को दीदी से मिलाते हैं। तो देख सकते हैं हमारे साथ दीदी हैं। तो आप लोग, आपको कैसा लगता है गौरव भैया इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं? तो बहुत बड़ा हो गया गौरव, मेरा गौरव बहुत खुश है। खुश है, और उसका पापा भी खुश बहुत रहता था, लेकिन उसका पापा तो नहीं रहा, उसको ही नहीं चाहता था गाना गीत के लिए, लेकिन उसमें ढूंढ गया।
अभी जो इतना ज्यादा पॉपुलर है तो उसका पापा लोग काफी ज्यादा खुश रहते होंगे। खूब काफी तबीयत खराब हो गया था उनका पापा का? नहीं, तो कुछ नहीं हुआ, अचानक हो गया। अचानक? अच्छा, उनकी मम्मी ठीक है ना? मम्मी तो ना भेंट कर ले, मम्मी ठीक है, आंगन में है अभी। हाँ। भेंट कर दीजिएगा। आइए, चलिए अभी चलते हैं उनकी मम्मी से, गौरव भैया की मम्मी से मिलते हैं। चलिए उनके आंगन चलते हैं, उनका घर दिखाते हैं तो आप लोग। गाइस अभी चलिए गौरव भैया का घर पे चलते हैं और आप सबों से मिलते हैं। गौरव भैया का घर बगल में ही है, उनके घर पे आप सबको लेके चलते हैं और वहाँ पे मिलते हैं आप सबों से। चलिए देख सकते हैं, अभी जो है गौरव भैया का घर यही है और यहीं पे अभी चलेंगे अंदर। देख सकते हैं ये जो है गौरव भैया का घर है, और अभी आप सब को पूरा घर का एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, तो वीडियो पे बने रहिए गाइस। आगे गाइस देख सकते हैं ये जो है गौरव भैया का घर है, और इधर देख सकते हैं गौरव भैया की मम्मी है और शायद भाई है ना आप गौरव भैया का, और इधर जो देख सकते हैं भैया का सिल्वर प्ले बटन है, और दिखाते हैं आप सबको मैथिली गौरव का, जो मैथिली गौरव जो भैया का चैनल है उसी का है सिल्वर प्ले बटन, और इधर भैया का एलसीडी वगैरह लगा हुआ है। तो आंटी जी नमस्ते, खुश रहिए, कैसे हैं आंटी? ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, एक बात पूछेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। गौरव भैया जो इतना फेमस है, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। ये सब काम कितना दिन पहले भैया स्टार्ट किए थे सिंगिंग में? कब गए थे? चार साल पहले। आप लोग डांटे भी थे कि ऐसा क्यों करा, सिंगिंग में क्यों जा रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं डांटे थे, उसके पापा थे उस टाइम में, तो कुछ शुरू में गुस्साए थे, उसके बाद फिर वो भी ठीक हो गया। जब गौरव सक्सेस कर धीरे धीरे करने लगा तो वो भी खुश रहने लगे। अब तो उसके पापा नहीं है, चार महीना पहले टेस्ट बिल्कुल पता है ये बात। तो अभी ठीक है ना आप? ठीक है, ठीक। गौरव भैया कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं किसी चीज़ का? नहीं नहीं ना नहीं। इधर का बुलेट गाड़ी है और बगल में ग्लैमर है, जो कि यहीं पे लगा के रखते हैं भैया, और भैया का जो कार है वो बाहर में रखते हैं भैया। इधर दिखा देता का गाड़ी को, चैनल है ब्लॉगिंग का, आप एक बार नहीं किए थे शिवम झा ब्लॉग? शिवम झा ब्लॉग, हाँ हाँ, पूर्णिया के आसपास से है ना? हाँ पूर्णिया। फाइनली गाइस देख सकते हैं हमारे बीच मैथिली स्टार गौरव भैया हैं, और इनसे अभी बात करेंगे बहुत सारा, तो आप लोग वीडियो बने रहिए। और भैया देख सकते हैं हमारे पहले तो वीडियो में देखा करते थे, आज हमारे सामने हैं, तो भैया सबसे पहले नमस्ते, और मेरा चैनल पे सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, सादर प्रणाम आप सबों को, जितने भी हमारे भाई बहन बड़े छोटे जो भी इस चैनल को अभी देख रहे हैं शिवम झा ब्लॉग्स को, सबों को मेरी तरफ से ढेर सारा बार बार प्रणाम है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज भाई हमारे घर पे आए हैं हमसे साक्षात्कार करने, तो अब आगे की बातचीत देखिए क्या क्या होती है भाई के बीच। तो देख सकते हैं भैया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आए, सबसे पहले तो भैया से मिले और उसके बाद पानी उनी चाय वो सब पी लिए हैं, और भैया से भी बात करेंगे। तो भैया आज आपका गाना आया है आपके पापा के ऊपर, थोड़ा वो गुनगुनाइए, फिर आपसे हम कुछ बात करेंगे आगे, थोड़ा क्योंकि आज वो गाना देखिए बड़ा प्यारा गाना आया है, और वो मैंने इसलिए नहीं गाया है कि मेरा वो गाना हिट हो, बस एक समर्पण है, एक भाव, लोग एक जो है बेटा जो बाप के लिए होता है ना, बेटे के लिए बाप और बाप के लिए बेटा जो होता है ना, और एक कार में जैसे चार चक्का होता है, तो अगर कोई एक भी गड़बड़ आ जाए तो पूरी गाड़ी नहीं चलती है, तो उस तरह का एक रिलेशन होता है। तो मैंने एक दुख व्यक्त किया है माता रानी से, और दो लाइन सुना देते हैं उसको, ऐसे है। हर एक कांचे रे उमरिया में छीन ले लो बाबू के, कितना साम जाइ बोला, हर दिलावा बेकाबू के, तो सब का के सब अरे सुखवा दे लो हे देवी मैया, हमर सुखवा ले लो किया छीन, हे देवी मैया हमर सुखवा ले लो किया छीन,
सोचन रहे बाबू अरे बेटा पगारी चढ़ते करम करबैलो तेरो दिन हे देवी मैया करम करबैलो तेरो दिन। देख सकते कितना अच्छा गाना आज सुबह में रिलीज हुआ ना। हाँ, ये कहने का एक भाव है कि कह रहा है कि जिस उम्र में एक बेटा पगड़ी चढ़ाता है मतलब कि दुल्हा बनता है उस उम्र में आपने उनसे 13 दिन का कर्म करवाया या कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत किया आपने। ये अपने अपने पापा के ऊपर स्पेशल गाया ईश्वर से भगवान से हम कह रहे हैं कि बिल्कुल पापा के ऊपर तो हम ही जब हैं तो फिर पप्पे हम ही पप्पा हैं। हमारे घर में मम्मी कितना दिन से बोलती है कि घर में फोटो लगा दो पप्पा का फोटो हम ही है तो हम पप्पा का फोटो क्या लगा। बस बिल्कुल सबसे फोटो हम ही है। हम जो बोल रहे हैं हम जो चल रहे हैं हम जो गा रहे हैं हम जो खा रहे हैं हम जो लोगों के बीच आज दो लाइन कुछ भी करते हैं एनीथिंग तो वो तो हमारे वही हमारा पिता है उसी ने दिया है जब जन्म ही हमको वही दिया है तब हम वही हैं। तो भैया ये बताइए जब आप शुरुआत में जब आप सिंगिंग लाइन में गए थे जी तो आपको कौन कौन सा सामना करना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और आपके घर में जो जैसे आपके पापा थे मम्मी जी हैं तो ये लोग क्या बोलते थे तभी कि मतलब ये करो या ना करो इस टाइप। शुरुआत में तो देखिए ये संगीत म्यूजिक का लाइन जो है ना इसमें जरूरी नहीं है कि हर आदमी सक्सेस ही कर जाए। जी जी यह एक तो मेहनत बहुत है और दूसरा कहीं ना कहीं आपके मेहनत अगर आपका मेहनत 80-90% है तब 10% लक का भी कहीं ना कहीं योगदान होता है जहां तक मेरा मानना है। जी जी, जी। तो हालांकि मेहनत से ही लक भी बनता है अगर आप मेहनती हैं तो कुछ भी कर सकते हैं मगर कहीं ना कहीं लक का भी जीवन में एक योगदान होता है भाग्य भी एक चीज है। तो शुरुआत में घर परिवार सब परेशान हो गया क्योंकि पिताजी की ख्वाहिश थी शुरुआत से कि बच्चा हमारा पढ़े लिखे और हर बाप का एक ख्वाहिश होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े एक बड़े लेवल का जॉब करे नौकरी करे आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर ये बने। तो शुरुआत से पापा उस लाइन में लेके गए मगर आफ्टर 12th जब मैंने 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करी तो हमको संगीत में शुरुआत से ही थोड़ा बहुत रुचि था होता है तो हम गाते थे। हमारे चाचा वगैरह है अभी बगल में चाचा बैठे हैं वो उधर थोड़ा सा कैमरा दिखा दीजिए ये लेके जाते थे हमको हर जगह कि शिव चर्चा वगैरह में गाने के लिए और फिर इसके बाद धीरे धीरे छोटे मोटे कार्यक्रम में गाने लगे तो अपना एक आत्मबल बढ़ने लगा और लोगों का समर्थन मिलने लगा। तो उसके बाद बड़े मुश्किल से पापा ने चारों भाई से 3,000-3,000 रुपये लेके उस समय गरीबी घर की थी और अभी भी है लेकिन पहले से ठीक है। तो पापा चार भाई हैं चारों से 3,000-3,000 रुपया लेके 12,000 में हमको एक हारमोनियम खरीद के दी। फिर हम उसके बाद लगभग 2 साल के आसपास म्यूजिक का क्लास किए कला भवन पूर्णिया से उसके बाद सुर मंदिर संगीत महाविद्यालय मुरलीगंज से और उससे भी जो समय बचता था वो यूट्यूब से देख के तो सीखते गए। उसके बाद धीरे धीरे जब सीखते गए तो कहीं ना कहीं मेहनत करने लगे। तो मेहनत अगर गार्जियन देख रहा है कि बच्चा हमारा इस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं फिर उनका समर्थन मिलने लगा धीरे धीरे मम्मी पापा घर परिवार सबका और जब गार्जियन का समर्थन मिलने लगता है तो और हौसला 440 हो जाता है। तो उसके बाद फिर करते गए मेहनत आते गए। तो कीमती टाइम हमें दिए और बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी मिला और ये जो कीमती टाइम है ना बहुत स्पेशल हुआ मेरे लिए और हम भी पूर्णिया से आए भैया थोड़ा मेरा चैनल के बारे में बोल दीजिए। बिल्कुल थैंक यू आप सबों को और धन्यवाद खूब सारा प्यार दीजिए हमारे भाई के चैनल को शिवम झा ब्लॉग्स और इस पे आप लोगों को एक मेरा ही नहीं तमाम जितने भी आर्टिस्ट हैं मैथिली भोजपुरी जहाँ जहाँ हमारे भाई को मौका मिलेगा ये आप लोगों को हर संभव प्रयास करेंगे कि सारा इंटरव्यू आप सबों के बीच दिखाएं। और कहीं ना कहीं एक आदमी बड़ा मेहनत करता है आज अगर ये मोबाइल लेके आए हैं तो आपका प्यार रहेगा तो कल इनके पास 2 लाख का कैमरा भी होगा उससे भी इंटरव्यू लेने आएंगे। तो ढेर सारा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप जिसको प्यार दीजिएगा उसी पर दुनिया सोचता है। तो आपसे निवेदन है कि खूब सारा जिस तरह हमें प्यार देते हैं हमें भी दीजिए और खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को शिवम झा ब्लॉग्स को।